सर्वल गांव बामनी खेड़ा में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर ने शिरकत की, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भीषण गर्मी की परवाह नहीं करते हुए हिस्सा लिया, जिसमें जाट समाज के लोगों की संख्या अधिक रही है। साथ ही गुर्जर ने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। एक विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग इस भीषण गर्मी में खुद चल के आए हैं। आपने खुद देखा है, यानी कि और अधिकतर इसमें वैसे सभी समाजों के लोग थे, लेकिन हमारे जाट समाज के लोग भारी संख्या में आए, और उनके चेहरे पर जो उल्लास, जो उमंग मैंने देखी है इस भीषण गर्मी में, उससे तय हो गया है कि फरीदाबाद लोकसभा हम पहले से ज्यादा सीटों से जीतेंगे और मोदी जी की तीसरी बार पहले से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी। एनडीए 400 पार जाएगा, बीजेपी 370 पार जाएगी। खुद केर सिंह जी ने भी आज आपको अपना साथ दिया है, किस तरह की मजबूती? और देखिए, केर सिंह हमारे इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा, उसका इस इलाके में खाली एक आदमी, तमाम जातियों में उनका काफी प्रभाव है। हमारी पार्टी से जुड़े हुए आदमी है, यहाँ का तीन क्षेत्र का 5 सालों में बेहतरीन ढंग से प्रतिनिधित्व किया है, तो उनके लोगों में बहुत उनका आदर भी है, मान सम्मान भी, तो पार्टी के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और आज के बाद तो और तेजी से वो जुट गए हैं, जिसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा। कुछ दिन पहले महेंद्र प्रताप एक स्टेज पे भाषण दे रहे हैं, वो कह रहे थे कि केएस सिंह रावत और टेकचंद शर्मा कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उन लोगों को बहका रहा है इस बात से? देखिए, वो असल में क्या है, वो अपनी हार से इतने तिलमिला गए हैं, वो क्या बोलते हैं उनको मालूम नहीं होता। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बेटियों के बारे में कैसे अब शब्द बोलते, मोदी कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और वो बेटियों को लेके कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में अब उनकी इसमें उनका दोष है या बढ़ती हुई उम्र का कारण है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाषा पे संयम रखना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज देख रहे हैं ना, केर सिंह रावत कहाँ है, तो इसलिए किसी के बारे में ऐसे ही कुछ भी बोल देना, ये उन जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जी, एक बात और आपसे पूछूंगा, इंडिया गठबंधन के सारे नेता कह रहे हैं कि संविधान की बात, राहुल गांधी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पिछले दिनों महेंद्र प्रताप ने फरीदाबाद में कहा था कि संविधान की दोबारा व्याख्या की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को लेकर दोबारा सदन बैठे कि आरक्षण देता नहीं, तो क्या वो संविधान विरोधी वो है यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं? संविधान बाबा साहब का दिया हुआ है, उसे दुनिया में कितनी सरकारें आए, भारत में कितनी जाए, किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है इस संविधान को बदल दें। संविधान में संशोधन समय की जरूरतों के हिसाब से होते रहते हैं, वो कांग्रेस ने भी अनेक बार किए हैं, हमने भी किए हैं, और जो लोग सीधे साधे अनुसूचित जातियों के लोगों को भरमाने का काम करते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास पिछले 10 साल से सारी ताकतें हैं हर चीज बदलने की, लेकिन बाबा के संविधान को उन्होंने छेड़ने की कभी कोशिश नहीं की और कभी करेंगे नहीं। और उस पार्टी का उम्मीदवार जो पार्टी आरोप लगा रही है, वो क्या कह रहा है, आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ये उस कांग्रेस पार्टी का फरीदाबाद से लोकसभा का उम्मीदवार कहता है, जो कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है, और दूसरा क्या कहता है वो, कि संविधान से मैं भी परिवर्तन करने की जरूरत है। तो बाबा साहब के संविधान का विरोधी कौन है, हमारे अनुसूचित जाति के बच्चों को आरक्षण का विरोधी कौन है, ये उनके बयान से, उनकी मानसिकता से सिद्ध हो जाता है। जो कांग्रेस सोचती है वही उनके उम्मीदवार सोचते हैं। वहीं हथीन से पूर्व विधायक एवं भाजपा के नेता केहर सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप राजनैतिक लाभ लेने के लिए लोगों से झूठ बोल रहे हैं, कि केहर सिंह
रावत जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, जबकि वह भाजपा पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। देखो, पिछले काफी दिन पहले कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप जी ने कहा था कि अतीन के पूर्व विधायक केहर सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। उसके तुरंत दूसरे दिन मैंने प्रेस वार्ता बुला करके अपनी विज्ञप्ति दी, वो आपके पास भी शायद पहुंची होगी। मैंने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, केवल महेंद्र प्रताप जी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग केवल मेरा, कांग्रेस पार्टी के लोग केवल मेरा राजनीतिक फायदा लेना चाहते थे। हमारा परिवार है, छोटी मोटी बातें रहती हैं, नाराजगी भी होती है, अपने के साथ रहते हैं, भाई से अलग भाई नहीं हो सकता, नाराजगी जरूर हो सकती है। आज ये युद्ध का मैदान है, इसमें हम ना केहर सिंह ने कभी पीठ दिखाई, ना केहर सिंह कभी पीठ दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए, चौधरी कृष्णपाल जी के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, रूसों को मनाएंगे, चाहे हमें नाक रगड़नी पड़े, हम एक एक वोट को कमल के निशान पर दिलाने का काम करेंगे।